आज का टॉपिक रहेगा अपना दो चर वाली क्या रैखिक समीकरण है ना, वेरिएबल्स कल देखा था ऐसे सब, इसका जो फॉर्म रहता है वो क्या होता है, ए एक्स प्लस के बी वाई प्लस सी बराबर क्या रहेगा, जीरो। ये और इसमें ए और बी के मान कभी भी क्या नहीं हो सकते, शून्य के बराबर नहीं हो सकते, क्लियर। इसमें एक चर वाले रैखिक समीकरण को पहचानने के लिए एक नंबर में आ सकता है कि ये एक चर वाला लाइनर इक्वेशन वन वेरिएबल्स है या नहीं है, हो सकता है ऐसा जाए टू वेरिएबल्स वाला पूछ ले। तो चर कौन होते हैं हमारे, ये एक्स और वाई की जो वैल्यू होती है ए बी सी डी वाले, ये क्या होते हैं, चर होते हैं, क्लियर। चर का मतलब होता है इनके मान परिवर्तित होते रहते हैं। ऐसे मान के चलिए यहाँ पर दे रखा है एक्स प्लस के बाय बराबर कितना है, 20 है, और यहाँ पर अपन ने दे दिए 3 प्लस के 17 बराबर भी क्या होता है, 20 होता है। अब ये दो मान तो फिक्स हैं, लेकिन एक्स और बाय के मान यहाँ पर अपन निर्धारित कर सकते हैं क्या, ये क्या इनके मान परिवर्तित होते रहेंगे, हो सकता है एक्स का मान 1 हो बाय का मान 19 हो, तब मिलाकर ये कितने हो जाएंगे, 20 हो पाएंगे, क्लियर। हो सकता है एक्स का मान 2 हो बाय का मान 18 हो, तब भी तो ये 20 हो सकता है। इस तरीके से अपन इनके एक्स और वाई के मान क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं, है ना। इसलिए इनको अपन क्या बोल रहे हैं, वेरिएबल्स चर बोल रहे हैं, क्लियर। और ये मान क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। तो ये एक चर वाले रैखिक समीकरण है, इसमें देखो एक ही वेरिएबल्स है एक्स, यहाँ पर देखिए वाई है, और यहाँ पर एक्स वाई दो आ रहे हैं, क्लियर। ये रेखाओं के समीकरण रहेंगे दो, ए वन एक्स बी वन वाई, इनको अपन कंपेयर करके क्या बनाते हैं, फॉर्मूले बनाते हैं ना। कंपेयर करेंगे तो क्या आता है, यहाँ पर ए वन अपॉन ए टू बराबर क्या, बी वन अपॉन बी टू बराबर सी वन अपॉन सी टू, एक इस टाइप का बनेगा, क्लियर। ए वन अपॉन ए टू बराबर बी वन अपॉन बी टू बराबर क्या होंगे, सी वन अपॉन सी टू, ये डायनोटिकल रहेगा, क्लियर। यहाँ पर एक और बनता है ए वन अपॉन ए टू बराबर बी वन अपॉन बी टू, ए बी क्या नहीं रहते, इक्वल मान नहीं होते, क्लियर है ना। देखिए अगला ये दे रखा, अगर ए वन अपॉन ए टू डज नॉट इक्वल बी वन अपॉन बी टू, तो ये लाइन कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी, इंटरसेक्शन लाइन बोलेंगे, और इसका एक ही हल होगा, क्या होगा, एक हल होगा, यूनिक सॉल्यूशन, क्या बोलेंगे, यूनिक सॉल्यूशन या ओनली वन सॉल्यूशन, और संगत को अपन क्या बोलते हैं, कॉन्सिस्टेंट, संगत की लाइन बोलेंगे। पहचानने के लिए आ जाएगा, ऐसे दो लाइन दे रखी होंगी एस थ्री एक्स प्लस के पाँच वाई प्लस चार बराबर क्या, जीरो, और यहाँ पर एक और लाइन दे रही पाँच एक्स प्लस के सात वाई माइनस के चार बराबर जीरो। इनकी अगर अपन कंपेयर करके देखें तो थ्री अपॉन क्या आ रहा है, फाइव आ रहा है, और यहाँ पर क्या आएगा, फाइव अपॉन सेवन है, ये दोनों वैल्यू सेम है, बराबर है, इक्वल है क्या, नहीं है, तो ये डाई नॉट इक्वल है ना, बराबर नहीं है, नहीं है, तो देखो इसके तीन पॉइंट निकल कर आते हैं पूछने के लिए, या हो सकता है कि प्रतिच्छेदी पूछ ले आपसे इंटरसेक्शन लाइन है या नहीं है, तो देखिए ये इंटरसेक्शन लाइन है, एक अद्वितीय हल है, ओनली वन सॉल्यूशन, और ये संगत कॉन्सिस्टेंट, इस तरीके का प्रतिबंध यहाँ पर लगते हैं, क्लियर। अगर तीनों मान यहाँ पर बराबर आ जाएं, ए वन अपन ए टू की वैल्यू भी, बी वन अपन बी टू वैल्यू और सी वन अपन सी टू, तीनों की वैल्यू क्या आ जाए, बराबर आ जाए, तो रेखाएं कैसी होंगी, संपाती होंगी, कंसिस्टेंट होंगी और अनंत, इनके सॉल्यूशन भी क्या होंगे, अनंत होंगे, और इसको भी अपन क्या बोलते हैं, संगत होंगे, कॉन्सिस्टेंट होंगे, क्लियर। ये कल अपन ने पढ़ लिया था, कल वाली क्लास में। दो मान आगे के बराबर है जहाँ तीसरा मान सी वन का मान अपॉन सी टू का मान, ये दोनों के बराबर ना है, बी वन अपॉन बी टू की, तो रेखाएं कैसी होंगी, पैरेलल होंगी, समांतर होंगी, और इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होने वाला, और इनको इनकॉन्सिस्टेंट, असंगत बोलेंगे, क्लियर। इनसे संबंधित एक न एक क्वेश्चन पेपर में आता है, खासकर SSCC, अधिकतर अब तो ये एडवांस मैथ हर एक एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। एडवांस का मतलब ये है जिसके एडवांस नंबर, जो मेरिट लिस्ट उठती है उससे एडवांस नंबर आएंगे तभी तो अपन सेलेक्ट हो पाएंगे, है ना।
ये दे रखा है, यदि 11x - 13 बराबर -2x + 78 है तो आपके लिए क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करना। आ गया होगा वैल्यू, चल देखते हैं क्या दे रखा है यहाँ पर। 11x माइनस के कितना 13 बराबर क्या आएगा, -2x + 70। तो x वाले टर्म अपन एक साइड कर दे रहे हैं, 11x ऐसा कैसा रहेगा, ये माइनस का 2x है, इसका ट्रांसपोजिशन कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 2x। क्लियर, ये 78 ऐसे कैसे रहेंगे, 13 को इस साइड लाएंगे, माइनस वाली संख्या किसमें हो जाती है, प्लस की, इनको जोड़िए कितना हो जाएगा 13x और ये कितने हो जाएंगे 91। इससे ये कट जाएंगे कितना बार, 7 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। क्लियर, उतारिए इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आ गया हुआ है, चलो देखते हैं यहाँ पर क्या है, इक्वेशन क्या है, 2x + 3y बराबर 29। यहाँ पर y की वैल्यू दे रखा है, किसकी वैल्यू दे रखा है, y, यहाँ पर y देखेगा, वहाँ पर अपन क्या पुट कर देंगे, x + 3 पुट कर देंगे और x की वैल्यू हमारे लिए फाइंड करना। क्लियर, देखो 2x ऐसा कैसा रहेगा, 3y यहाँ पर है तो y के स्थान पर, तो यहाँ पर कितनी वैल्यू है, एक्स प्लस का कितना 3 बराबर 2x + 3 का अंदर इंटू करेंगे क्या हो जाएगा 3x, तो 3 का इंटू 3 से करेंगे कितना होगा 9000 बराबर, तो 3 और 2 को अपन प्लस कर दो कितना आएगा 5x, 9 का ट्रांसपोजिशन कर देंगे कितना हो जाएगा माइनस का 9, घटा दीजिए कितना बचेगा 20, तो 5 से ये कट जाएंगे कितनी बार, 4 बार, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4000। किसका सही था, सभी का होगा, काफ़ी छोटे क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करें, देखिए इक्वेशन क्या था, x अपॉन 4 प्लस के y अपॉन कितना 3 5/4, इसमें x की वैल्यू भी निकालना और y की वैल्यू निकालना, तब जाकर अपन क्या कर पाएंगे, x + y का मान ज्ञात कर पाएंगे। क्लियर, और एक इसमें ऐसा कर सकते हैं अपन, 3 का इंटू किस में कर दें, x में कर दें, कितना हो जाएगा 3x। क्लियर, देखिए इस 3 का इंटू किस में करते हैं अपन, x में, तो 4 का इंटू भी y में कर देंगे, प्लस का क्या हो जाएगा ये
चार वाई, तो तीन का इंटू चार से भी करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा ये 12 बराबर में कितना आ जाएगा 5 प्लस के 12। ये देखो ये 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ इक्वेशन क्या बनेगी 3x प्लस के 4y इज इक्वल टू कितना 5। इसमें क्या दे रखा देखो, इस 2 का गुणा बाय में भी हो जाएगा और 1 में भी हो जाएगा, क्लियर। तो x ऐसा कैसा रहेगा, 2 में करेंगे कितना हो जाएगा 2y, तो 2 का इंटू 1 से करते हैं कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दो इक्वेशन आई सामने, एक तो आपका ये है और एक ए है, क्लियर। ये दोनों को अगर अपन हल करेंगे तब जाकर क्या आएंगे आप x और y की वैल्यू आप आएंगे। यहाँ पर कितना है 3x प्लस के कितने 4y इज इक्वल टू 5। अब समीकरण जो एक है इसको अपन दो दे सकते हैं, है ना। अब समझिए, या तो अपन यहाँ पर 3x हो, कोई भी आप मान बराबर कर सकते हैं, या तो आप x की वैल्यू बराबर कर लीजिए, y की वैल्यू बराबर कर लीजिए। यहाँ पर दो प्रकार से सवाल हो सकता है, देखिए क्या है। एक तो यही रहेगा अपन x के स्थान पर अगर कितने और होते 3x और होते तो यहाँ पर ये 3x और 3x सेम मान हो जाते, ये ना कर पाए तो आप यहाँ पर y कितना आएगा 4y, तो ऊपर या तो 4y हो जाए या फिर नीचे 2y हो जाए, क्लियर। तो इनको बराबर करने या तो आप x के मान बराबर करिए या फिर y के मान बराबर करिए। y के मान या x किसी के भी कर सकते हैं। इस समीकरण में क्या कर सकता हूँ, 2 का गुणा कर सकते हैं और 3 का भी गुणा कर सकते हैं, क्लियर। तो इसमें क्या करते हैं अपन 3 का गुणा करते हैं, देखिए ये 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी क्या होगा 3 का, 3 का अंदर x से गुणा होगा कितना होगा 3x, क्लियर। और 3 का इंटू 2 से करेंगे कितने हो जाएंगे 6y, 2 का इंटू 3 से करेंगे क्या होगा 6। देखो ये दोनों समीकरण देखिए, ये 3x बराबर हो गए, यानी कि हम चिन्ह बदल दें या इसको लिख सकते हैं घटा देंगे एक दूसरे, क्या कर देंगे घटा देंगे, सब टक कर दिए घटा दीजिए, माइनस ये भी माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, क्लियर। देखो ये 4y प्लस की और 6y माइनस की है, तो माइनस की बड़ी संख्या इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का कितना 2y, क्लियर। और यहाँ पर 5 में से 6 जाएगा कितना बचेगा माइनस का 1, ठीक है। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, वाई की वैल्यू निकल कर कितनी आएगी 1/2। ये वाई का मान आप या तो इसमें रख दीजिए, क्लियर, या फिर इस वाली समीकरण कहीं भी रख सकते हैं, तो आपकी किसकी वैल्यू निकले आएगी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। इसमें रख देते हैं समीकरण एक देकर, क्लियर। वाई की वैल्यू किसमें पुट करते हैं अपन समीकरण एक में, देखिए यहाँ पर क्या आएगा 3x प्लस के कितने 4y इज इक्वल टू 5। 3x ऐसा कैसा 4, y की वैल्यू कितनी है 1/2 बराबर 5। ये 2 से 2 बार क्रॉस हो जाएगा, कितना आएगा 3x, 2 को इस साइड ले आए पक्षांतर कर दें तो क्या हो जाएगा माइनस का 2, और यहाँ पर क्या रहेगा 3x, या x की वैल्यू निकाल सकते हैं 5 में से 2 जाएंगे कितने बचेंगे 3, और बटे में गुणा की संख्या भी 3, कितना निकले आएगा 1। और x और y को अपन जो वैल्यू आई है इनको हम क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। देखिए x का मान कितना है, x का मान 1 है और y की वैल्यू कितनी है 1/2, प्लस करेंगे कितना जाएगा 3/2, ये आंसर। या फिर इसको अपन 1.5 भी लिख सकते हैं। ऐसे इक्वेशन जब भी आए आपके लिए क्या करना, या तो x की वैल्यू को सेम कर लो या फिर y की वैल्यू, और अपने आप अगर ये कट रहे हों ये दोनों इक्वेशन तो अपन अपने आप काट देंगे प्लस माइनस में, नहीं कट रहे तो अपन चिन्ह बदल देते हैं, क्लियर। प्लस का माइनस कर देते हैं और माइनस का प्लस कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करें,
यहाँ पर दो इक्वेशन है, देखिए ये 2y है और यहाँ पर 3, और ये 3y है और यहाँ पर 2, जस्ट अपोजिट है, क्लियर। इसमें क्या कर सकते हैं, 2x प्लस के 3y बराबर में कितना है 12, क्लियर। एक और इक्वेशन क्या है, 3x माइनस के कितना 2y बराबर ए है। और पहली वाली इक्वेशन में हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट वाली में 3 से इंटू कर देंगे तो ये 6 हो जाएगा एक्स की वैल्यू, और दूसरे में 2 से इंटू कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 6, एक्स का मान बराबर हो जाएगा। आगे इधर इंटू किया है तो आपके लिए इधर भी इंटू करना पड़ेगा, क्लियर। तो 3 का इंटू 2 से करते हैं 6x कट जाएगा, ये ना लिखें, लिखना पड़ेगा, है ना, 6x। और 3 का इंटू 3 से करेंगे 9y, 12 का इंटू 3 से करेंगे 36, क्लियर। 2 का इंटू 3 से करेंगे भी 6x हो जाएगा, 2 का इंटू 2 से करेंगे कितने हो जाएंगे माइनस के 4y बराबर में कितना रहेगा 10। अब देखिए आप, देखो ये x बराबर हो गए तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस कट जाएंगे, 9 और 4 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 13y, और यहाँ पर कितना बचेगा 26, क्लियर। 13 से कैंसिल हो जाएगा कितनी बार, 2 बार में, तो y की वैल्यू निकल कर कितनी आई, y की वैल्यू आप समीकरण एक में भी रख सकते हैं, इसमें इसमें भी रख सकते हैं, x का मान हमेशा सेम ही आने वाला है, क्लियर। देखिए यहाँ पर एक इक्वेशन क्या है, 2x प्लस के कितना 3y, हाँ बोलिए, 12 के इंटू 3 से करेंगे ना 36 आएगा, 36 में से 10 घटाएंगे 26, ठीक है। यहाँ पर कितना 12, 2x ऐसा कैसा रहेगा, y की वैल्यू कितनी है 2 बराबर में 12, देखो 2 का गुणा 3 से करेंगे 6, 6 इस साइड आएंगे 12 में से घट जाएंगे कितने बचेंगे 6, 2x बराबर कितने 12 माइनस के 6, x की वैल्यू क्या आएगी 6 बटे में 2, कितना जाएगा 3, क्या याद करना x और y की वैल्यू, देखिए तो x का मान कितना है 3 और y की वैल्यू कितनी है 2, ये आप क्लियर। ये क्वेश्चन क्या था, ये दो इक्वेशन दे रखा है, इक्वेशन क्या था, दो एक्स प्लस के बाय बराबर में 5, क्लियर। एक्स प्लस का 2y इक्वल टू कितना 4, देखिए इनका यहाँ पर तो जब तक इनके बराबर में 0 नहीं आएंगे तब तक इनके अपन कंपेयर नहीं कर सकते a1x b1y प्लस c1 से, इनके बराबर में क्या लाना जरूरी है, 0 लाना जरूरी है, क्लियर। तो 2x प्लस का क्या हो जाएगा y माइनस के 5 बराबर 0, यहाँ पर क्या रहेगा x प्लस का 2y माइनस के 4 बराबर में भी 0। अब जरूरत किसकी है, वैल्यू की, a1 b1 c1, जो पहला समीकरण है
ये मान किसका होगा, a1 का, यहाँ पर कुछ है नहीं है, जिसका कोई नहीं होता उसका एक होता है, सबका मालिक एक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, वन आ जाएगा। क्लियर। b1 का मान किसकी वैल्यू है, c1, यहाँ पर a2 रहेगा और ये b2 और ये c2। क्लियर। फॉर्मूला क्या निकाले, a1 अपॉन a2 होता है, तो देखिए a1 अपॉन a2 मतलब यहाँ पर क्या आएगा, दो बटे में क्या आएगा, वन। एक वैल्यू और क्या है, b1 का मान कितना है, वन, और c1 का मान कितना है, सॉरी b2 का मान कितना है, दो। ये देखो ये दोनों मान बराबर हैं क्या, नहीं है ना, तो डाई नॉट इक्वल ऐसा। तो देखो ये क्या बनेगा, a1 अपॉन a2 की वैल्यू बराबर नहीं है किसके, b1 अपॉन b2। इसके लिए क्या होता है, इसका क्या यूनिक सॉल्यूशन है और क्या ये संगत होगा, कॉन्सिस्टेंट होगा, इस तरीके के सवाल बनते हैं। क्लियर। और मान के चलिए तो ये कैसा यूनिक सॉल्यूशन, मतलब इसका एक ही हल होगा, कितना हल होगा, एक हल होगा, और ये कैसी लाइन होंगी, संगत होंगी। क्लियर। चलो आज ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा, कल वक्त हो जाएगा। ये तैयारी चल रही है अपनी अलजेब्रा बीजगणित करने की, है ना, सबसे कठिन टॉपिक है, बहुत मज़ा आने वाला है अलजेब्रा बीजगणित में। शॉपिंग करना है आपके लिए, देखिए दो साड़ी और चार कमीज की कीमत कितनी है, 16,000 रुपये, जबकि एक साड़ी और छह कमीजों की कीमत भी कितनी है, कीमत भी यही है, मतलब 16,000 रुपये में ही आती है। तो 12 कमीजों की कीमत क्या होगी, शर्ट बताइए, 12 शर्ट की कीमत कितनी है, देखिए क्वेश्चन क्या था, देखो दो साड़ी और चार कमीज की कीमत कितनी है, 16,000 रुपये। जब तक अपने एक साड़ी की कीमत का पता नहीं होगा, दो साड़ी की कीमत कैसे ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर। तो सबसे पहले अपन मान लेंगे, क्या मानेंगे, क्या अपन ने मान लिया, बन साड़ी की कीमत कितनी है, x रुपए, कितनी है, x रुपए। क्लियर। और वन शर्ट वन कमीज की वैल्यू कीमत कितनी रहेगी, y रुपए। अब समझने देखो, जब एक साड़ी एक एक्स रुपये में आती है तो दो साड़ी कितने एक्स की हो जाएंगी, दो एक्स, ये दो एक्स रुपये। क्लियर। एक कमीज वन वाई रुपये में आती है तो चार कमीज चार वाई रुपये में आ जाएंगी। इस तरीके से टोटल रुपये अपन दुकानदार को कितना देकर आए, 16,000। क्लियर, 16,000। अब देखिए फिर क्या कह रहा है, हो सकता है कोई ऐसा उसके पास कंस्टमर पहुंचा हो जो एक साड़ी खरीद कर लाया हो, क्लियर, और कितनी, छह शर्ट खरीद कर लाया हो, और वो भी कितना रुपया देकर आया, 16,000 रुपये देकर आया। क्लियर।
हमसे क्या पूछ रहा है, 12 कमीजों की कीमत पूछ रहा है। देखो कमीज कीमत का मतलब होता है बाय, हमारे लिए यहाँ पर क्या करना है, बाय की वैल्यू फाइंड करना है पहले, किसकी बाय। देखो बाय की वैल्यू फाइंड करने के लिए मेरे लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक्स को हटाना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये एक्स को ही बराबर कर दो, किसको बराबर कर दें, एक्स को बराबर कर दें, एक्स को बराबर करने के लिए इस समीकरण में दो का इंटू कर सकते हैं, ये 2x हो जाएगा, ऊपर भी कितना हो जाएगा 2x, जब इस साइड गुणा किया है तो इधर भी 2 का गुणा आपको करना पड़ेगा, क्लियर। तो यहाँ पर क्या होगा, ये 2x 2 का इंटू 3 से करेंगे कितने हो जाएंगे, सॉरी 12y, और ये कितने हो जाएंगे 32,000। अब समीकरण क्या निकल कर आए, 2x प्लस की 12y बराबर में कितने हजार है, 32,000। और यहां पर क्या एक और समीकरण अपना, 2x प्लस की कितने 4y बराबर 16,000। ऐसी दिक्कत नहीं है, अगर ये ऊपर है तो अपन इसको नीचे ऊपर नीचे कर सकते हैं एडजस्ट अपने हिसाब से, है ना समीकरण, क्लियर। क्योंकि यहाँ पर सेम वैल्यू है, अपने आप ये माइनस प्लस नहीं है तो काटना पड़ेगा, चिन्ह चेंज कर देंगे, माइनस ये भी माइनस ये भी माइनस कट जाएगा, क्लियर। और यहाँ पर कितने बचेंगे जी, 8y और ये कितने 16,000, 8 से कट जाएगा कितनी बार, 2 बार। इसका मतलब ये है कि एक शर्ट की कीमत, कमीज की कीमत कितनी है, 2,000 रुपये। हमारे लिए कितनी की निकालना है, 12, तो इसमें 12 का इंटू और कर दें, देखिए 12 कमीज कितनी की आ जाएंगी, इसमें 12 का इंटू और कर दीजिए, 12 × 2,000 24,000 आपका आंसर हो, क्लियर। कर लिया हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखिए ये 2023 का ही क्वेश्चन है, गलती से 22 डल गया। 16 जनवरी 2023 करिए, लगाओ लॉजिक लगाइए, आ गया ना, काफी सरल क्वेश्चन। देखिए यहां पर 2 देख रखा है, यहां पर भी 2 है, और ये 8 है, क्या है 8। एक बात समझिए, ये ऐसे रूट है x, इसके लिए कि अपन ऐसे लिख सकते हैं x की पावर 1/2, क्लियर। कभी कभी आपने ऐसा देखा यहाँ पर 3 के क्यूब पड़े होंगे इस तरीके के, तो यहाँ पर अपन क्या कर देते थे, x की पावर 1/3, और यहाँ पर 4 होगा तो x की पावर कितनी आ जाएगी, 1/4 आ जाएगा, क्लियर। उसमें 4 के पेयर बनते हैं, यहाँ पर x पे कुछ नहीं होता तो अपन कितने मान कर चलते हैं, 2, क्लियर। क्या दे रखा, तो यहाँ पर 2x 2 की पावर कितनी, x प्लस के y
और यहाँ पर क्या एक और वैल्यू टर्म, दो की पावर कितनी x माइनस के y बराबर में क्या दे रखा है ये रूट एट। क्या रूट आठ के लिए अपन ऐसा लिख सकते हैं, दो की पावर तीन लिख सकते हैं ना, क्योंकि दो का तीन बार इंटू करेंगे तो कितना निकल कर आएगा, आठ आएगा कि नहीं, क्लियर। आगे देखते हैं, दो x प्लस के y बराबर में दो की पावर x माइनस के y बराबर, देखो दो की पावर ये तीन तो है और रूट के लिए क्या लिखते हैं अपन पावर वन अपॉन टू, क्लियर। और इस ब्रैकेट का मतलब क्या होता है इनटू, तो ये दोनों पावर का क्या हो जाएगा इनटू हो जाएगा, क्या निकल कर आएगा टू एक्स प्लस के बाय बराबर में दो एक्स माइनस के बाय इनटू कर देंगे दो की पावर कितनी आ जाएगी थ्री अपॉन टू, क्लियर। अब देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू और ये वैल्यू तीनों वैल्यू क्या हैं बराबर हैं, तो ऐसा कर सकते हैं क्या, देखिए इसकी वैल्यू इसके बराबर भी है और इसकी वैल्यू इसके बराबर भी है, रख सकते हैं ना। देखिए क्या हुआ दो एक्स प्लस के क्या बाय बराबर में क्या है दो की पावर कितनी थ्री अपॉन टू, क्लियर। ये बेस से बेस कट जाएगा, यहाँ पर कितना आएगा एक्स प्लस के बाय बराबर थ्री अपॉन टू, एक वैल्यू नहीं निकले आई। और यहाँ पर देखें इस दो से ये दो भी तो कट जाएगा, तो क्या आएगा एक्स माइनस के बाय बराबर भी कितना आएगा थ्री अपॉन टू, क्लियर। ये दो इक्वेशन बन गई हमारे, क्या है एक्स प्लस के बाय बराबर में क्या था थ्री अपॉन टू, और यहाँ पर क्या एक वैल्यू निकल गया एक्स माइनस के बाय बराबर में भी कितना थ्री अपॉन टू। देखिए वैल्यू किसकी फाइंड करना है y का, किसकी y की वैल्यू फाइंड करना है, तो आप देखिए यहाँ पर y को नहीं हटाना, हटाना किसको, और ये वैल्यू पहले से ही सेम है बराबर है, तो अब बस क्या बदलने की जरूरत है चिन्ह, ये माइनस ये प्लस और ये माइनस, देखो ये कट जाएगा एक बाय और एक बाय मिला देंगे कितना हो जाएंगे दो बाय, लेकिन समझने वाली बात ये है तीन बटे दो में से तीन बटे दो को घटाएंगे तो क्या निकल कर आएगा जीरो, और गुणा की संख्या भी कह जाती बड़ी में, तो जीरो में किसी से भी भाग देंगे तो क्या आएगी, तो बाय की वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगी जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना, ये कह रहा है के किस मान के लिए इसका कोई भी हल नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन के लिए एक स्टेटमेंट था, क्या था ए वन अपॉन ए टू बराबर बी वन अपॉन बी टू बराबर नहीं होता क्या सी वन अपॉन, करिए यहाँ पर उसने पहले ही फिक्स कर दिया ये स्टेटमेंट पुट होने वाला है, ए वन की वैल्यू ए बी वन, क्लियर। इसकी साइड लाएंगे तो माइनस के पाँच हो जाएंगे, चलो लिख ही दे रहे हैं, कहेगा एक्स प्लस के कितने टू बाय माइनस के क्या पाँच बराबर जीरो, और ये कितना है थ्री एक्स प्लस के वाई प्लस के पंद्रह बराबर में, ए वन का मान यहाँ से निकलेगा ए बी वन ए सी वन ए टू ए बी टू रहेगा ये सी टू रहेगा। अब प्रॉब्लम क्या है देखिए यहाँ पर ये फॉर्मूला पुट करने का, तो देखो ए वन का मान कुछ भी नहीं है तो अपन कितना रख देंगे वन, ए टू का मान कितना आएगा थ्री, यहाँ पर दो
बटे में क्या रहेगा के, और बराबर नहीं है कौन मानस के 5/15 कितना। अब एक समस्या आती है यहाँ पर, ऑप्शन में आपके लिए एक तो 6 भी मिलेगा माइनस का, हो सकता है दूसरे नंबर पर प्लस का 6 मिले, और भी ऑप्शन हो सकते हैं, क्लियर। लेकिन यहाँ पर आपके लिए दोनों के मान आगे की तुलना करना है। क्यों करना है? अगर ये दोनों वैल्यू पीछे वाली ले लेंगे, ये दोनों मान, तो इसमें के की वैल्यू क्या निकल लेगी, के डायनोटिक का, मतलब के का मान इसके बराबर नहीं हो सकता, या हो ही नहीं सकता, तो इसको लेने की जरूरत ही नहीं है, क्लियर। तो हमेशा आपके लिए क्या करना, आगे वालों के मान लेना इधर। अगर आप ये दोनों से कंपेयर कर दोगे तो के का मान क्या निकल कर आएगा, माइनस के 6 निकल कर आएगा, कितना माइनस के 6। देखो ऐसे ही दो रहा है, एक और ये कितना हो जाएगा 3 बार, 2 × 3 से करेंगे 6 आएगा, और यहाँ वाले 2 × 3 से कर रहे हैं 6 आएगा। तो ये दोनों की तुलना करते हैं, वन अपॉन 3 और ये क्या आएगा 2/k, k का इंटू इधर करते हैं k आ जाएगा, 2 × 3 से करेंगे कितना हो जाएगा 6, तो k का मान क्या होगा। और इससे हल करते हैं ना, तो k की वैल्यू क्या निकल कर आती, k डायनोटिकल माइनस k से। अब देखो कुछ बच्चे क्या करते हैं, पीछे की तुलना कर देंगे, और ऑप्शन क्या आएगा, माइनस k 6, क्योंकि उस पर जो आप कॉम्पिटिटिव अपन जब एग्जाम देते हैं तो प्रेशर होता है टाइम का, जो गलती नहीं करते अपन वो भी गलती कर बैठते हैं, टाइम कम रहता है, क्लियर। तो ये माइनस का 6 ऑप्शन जरूर 100% मिलेगा, आपको ध्यान रखना इस बात का, क्लियर। क्योंकि इसका मतलब है कि के का मान 6 नहीं हो सकता, कुछ भी हो जाए के का मान क्या नहीं होगा, 6 के बराबर नहीं होगा, और कुछ भी हो सकता है 6 को छोड़कर, क्लियर। नेक्स्ट करें, आ गया नहीं आया, देखिए इसमें दो संख्या है, कितनी संख्या है, दो ना, मुझे पता है दो संख्या वो कौन सी हो सकती है, आपको पता हो तो बताइए। जब दोनों को पता नहीं है तो मान लेंगे, पहली संख्या कितना मानते हैं x, और सेकेंड नंबर क्या मान लिया y, क्लियर। ना छोटी मानो ना बड़ी मानो, ये कह रहा है दो संख्याओं का अंतर, अंतर कितना है 5 है। हो सकता है x माइनस के बाय बराबर आप 5 लिख दीजिए, या बाय माइनस के x भी लिखोगे ना, तब भी आपका आंसर करेक्ट ही आएगा, क्लियर। कितना है 5। एक बात और बोला है, उनके वर्ग का मतलब स्क्वायर, एक स्क्वायर का डिफरेंस कितना होगा, x स्क्वायर माइनस के बाय स्क्वायर बराबर कितना 65, यही है। अब आपने बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या पड़ा हुआ, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। जब ऐसा फॉर्मूला आ जाए, इसी टाइप का ये है, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, तब हम क्या करेंगे, ए और बी को एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे, तो यहाँ पर क्या निकल कर आएगा, ए प्लस के बी इंटू में ए माइनस के बी, क्लियर। तो इनको एक्स प्लस वाई कर देंगे और एक बार एक्स माइनस के वाई लिख देंगे, क्या हो जाएगा, x प्लस के बाय इंटू में x माइनस के बाय बराबर में क्या आएगा 65। तो सर आपको पता है यहाँ पर देखिए क्या है, x माइनस की बाय की वैल्यू कितनी है, x माइनस बाय के स्थान पर हम क्या पुट कर सकते हैं 5, क्लियर। तो यहाँ पर x माइनस की बाय ये है ना, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ये 5 रख दें इंटू में 5 बराबर में कितने आएंगे 65, ये 5 से ये 65 कट जाएगा, क्लियर। कितना आएगा 13, x प्लस के बाय बराबर कितना आया
ए रहा है। एक इक्वेशन ये है आपकी और एक कहाँ है, ये है। ये दोनों को हल करेंगे तो अपन छोटी बड़ी संख्या ज्ञात कर सकते हैं। x प्लस के बाय बराबर में कितना है 13। एक इक्वेशन क्या था, x माइनस के बाय बराबर में 5। देखिए बाय अपने आप ही कट रही है, यहाँ पर प्लस माइनस में तो काटने की घटान चिन्ह बदलने की जरूरत भी नहीं है। अगर बदल भी दोगे तब भी आपका आंसर सही ही आएगा। क्लियर। एक एक्स और एक एक्स को जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे 2x, 13 और 5 कितने होते हैं 18। ये कट जाएगा 9 बार तो x की वैल्यू कितनी आएगी। क्लियर। अब यहाँ पर x प्लस बाय बराबर कितने है 13 है, तो x का मान अगर यहाँ पर 9 है तो बाय का मान कितना होगा 4 होगा कि नहीं होगा। तो बताओ बड़ी संख्या का मान कितना है, 9 है कि नहीं। तो आपका आंसर आ गया ये, किसी का 8 आया किसी का 4 आया। नहीं यार चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इस बी के स्थान पर आप 2 लिख लीजिए कितना आएगा, मिसप्रिंट टाइप है। इस सवाल को करने से पहले थोड़ा आप समझ लीजिए, एक फॉर्मूला आपने देखा होगा, अगर बेस समान हो ऐसे एक्स की पावर एम और यहाँ पर एक और हो एक्स की पावर क्या एन, है ना, बेस समान है तो इनकी जो पावर होती है इनटू में क्या हो जाती है प्लस हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, बस यही कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें, क्या लगने वाला है यही वाला कॉन्सेप्ट, देखिए। क्लियर। मतलब इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसको भी ऐसा लिख सकते हैं, है ना, मतलब इसको तोड़कर इस तरीके से बना सकते हैं और इसको इस जैसा बना सकते हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट, देखिए। एक इक्वेशन क्या आएगा 2a प्लस के 3b इक्वल टू कितना 70। a है और यहाँ पर कितना है 2, a की पावर कितना है a प्लस का 2 प्लस माइनस 3 b की पावर कितना 3 की पावर कितना है b प्लस 1 बराबर 5। देखिए वही आप समझिए, ऐसे यहाँ पर 2 की पावर a लिख दें और 2 की पावर कितना कर दें अपन 2 कर दें, एक 2 की पावर a इंटू 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि बेस समान है तो इनकी पावर क्या हो जाएंगी प्लस हो जाएंगी, a प्लस के कितना हो जाएगा 2। क्लियर। तो देखिए यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख दें 2 की पावर a इंटू में क्या रहेगा 2 की पावर 2। क्लियर। इसमें इस स्टेप में, इस टर्म में किसी प्रकार कोई डाउट हो तो बता दीजिए, आगे बढ़ दी। ऐसा अपन इसमें किया 2 वाले में 3 में भी ऐसे कर सकते हैं, 3 की पावर कितनी b इंटू में क्या 3 की पावर 1 बराबर में क्या रहेगा 5। क्लियर। देखिए दो की पावर ये तो ऐसा कैसा रहेगा, लेकिन 2 की पावर 2 कितना होता है 4, तो यहाँ पर अपन क्या लिख सकते हैं 4 इंटू में कितना 4 इंटू में क्या 2 की पावर a, और यहाँ पर 3 माइनस में क्या रहेगा 3 इंटू में 3 बी की पावर कितना 5। अब समझने वाली बात ये है, अगर अपन यहाँ पर मान लें
टू ए को अपन एक्स मान लेते हैं और तीन की पावर बी को अपन क्या मानते हैं, वाई मानते हैं। यहाँ पर टू ए, टू की पावर ए दिखेगा, वहाँ अपन क्या पुट कर देंगे, एक्स पुट कर देंगे और तीन की पावर बी दिखेगी, वहाँ पर वाई को पुट कर देंगे। देखिए टू की पावर क्या है, ए है, इसके स्थान पर मेरे लिए क्या पुट करना है, एक्स, देखिए एक्स आ गया। तीन की पावर बी है, इसके स्थान पर क्या पुट करना है, वाई, ये प्लस का वाई, बराबर हमें कितना 17। यहाँ पर देखो ये चार रखा रहने दीजिए, टू की पावर ए, इसके स्थान पर क्या पुट करेंगे, एक्स, क्लियर, माइनस का थ्री, और थ्री की पावर कितना है, बी, इसके स्थान पर क्या पुट करेंगे, वाई, बराबर में। हमारे लिए किसकी वैल्यू फाइंड करना है, ए की वैल्यू, और ए की वैल्यू के लिए हमारे लिए एक्स का मान निकालना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि बी के मान को क्या कर दो, सॉरी वाई के मान को क्या कर दो, बराबर कर दो। वाई के मान को बराबर करने के लिए पहले नंबर का जो समीकरण है इसमें किसका इंटू करना, देखो यहाँ पर तीन है, ऊपर तीन नहीं है, तो इसमें तीन का इंटू कर दें। देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर तीन का इंटू इस साइड करेंगे और तीन का इंटू इधर भी कर दें, इक्वेशन क्या आएंगे, देखिए 3x प्लस के 3y और तीन का इंटू सब्ट्रैक्ट करेंगे कितने आएंगे, 5। ये क्या आएगा, 4x माइनस के 3y बराबर में कितने, 5। देखो ये कट जाएंगे अपने आप, ये कितने हो जाएंगे 7x और ये कितना हो जाएंगे 56। 7 से ये भी कट रहे हैं 8 बार, क्लियर। x की वैल्यू कितनी आ गई, 8। सर हमें x का मान नहीं निकालना, मान तो किसका निकालना है, a का निकालना है, लेकिन इतना तो पता है सर, x के स्थान पर हमने क्या पुट किया था, 2 की पावर a, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर a, और 8 के लिए क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि आपको पता 8 के लिए क्या लिखेंगे, 2 into 2, क्लियर, जितनी बार होता है उसकी उतनी पावर लगा देंगे, ये 2 से 2 क्रॉस हो जाएगा, a का मान कितना निकल कर आएगा, किसका आता थी, ये वाली स्टेप्स, देखिए एक बार और देखिए, यहाँ पर ये वैल्यू पुट करने में दिक्कत आ रही है जी, अपन ने मन से माना है, क्लियर, इनको क्या किया अपन ने माना है, मतलब जहाँ पर 2a दिखेगा वहाँ पर x रख सकते हैं, है ना, 2a के स्थान पर क्या x, आप देखिए यहाँ पर 2a था तो यहाँ पर क्या पुट कर देंगे सर, x कर देंगे, और 3 की पावर b है और 3 की पावर b के स्थान पर y लिख देंगे, यही तो किया अपन ने, देखो ये 2 की पावर a था, सर ने क्या लिख दिया, x लिख दिया, 3 की पावर b है और 3 की पावर b के स्थान पे बाहर रखना, बाहर रख दिया, क्लियर, ये स्टेप तो इस वाले समीकरण से बन गए। ये अब इससे देखिए, 4 के स्थान पे तो कुछ बोला ही नहीं ना, क्या रखेंगे, 4 ऐसा कैसा, लेकिन 2 की पावर a, 2 की पावर a के स्थान पे क्या पुट करना है, x, और यहाँ पर माइनस का 3 यूं का यूं रखा रहा, अब देखिए 3 की पावर कितना है, b, और 3 की पावर b के स्थान पर सर ने क्या रखा हुआ है, इक्वेशन बन गई। इसके बाद अपन इससे पहले सवाल जो करें कि या तो आप x का मान बराबर करिए y का, यहाँ पर अपन ने y का ही मान बराबर क्यों किया, y का मान इसलिए बराबर किया क्योंकि ज़रूरत किसकी, हमारे लिए x के मान की, y का मान जिसका मान बराबर करते हैं वो कट जाता है, क्लियर। अगर अपन यहाँ पर सर गलती से अगर x का मान बराबर कर लें तो भी आंसर आएगा, थोड़ी एक स्टेप और बढ़ जाएगी, y के मान को आपके लिए इन समीकरणों में रखोगे तो x की वैल्यू निकल कर ये जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये लो, देखने में जितना कठिन है करने में उतना सरल है। यहाँ पर एक और मिस्टेक सामने आती है, मिस्टेक ये है, ये बराबर का चिन्ह नहीं है, इनटू में ही क्या है, बी है, ये क्या है, इनटू है, इतना बड़ा देखिए, इक्वल नहीं है वो,
देखते हैं करते हैं, इसमें ज़्यादा है नहीं है कुछ भी, बस समझना है इस कॉन्सेप्ट को है, क्या दे रखा है 2 प्लस के रूट 3 इंटू में क्या है a है, बराबर में क्या है 2 माइनस के रूट 3 इंटू में b, क्लियर। इसके बराबर भी कुछ नहीं है, अपन मन से एक मान सकते हैं, है ना, मैथ में तो मान सकते हैं ना एक, ए एक ना मानो आप के मान लो, ए मान लो, ए तो है, एक्स मान सकते हैं, उससे भी आ सकते हैं, लेकिन मन से जितना ज़्यादा समझ में आएगा उतने के से नहीं आने वाला। तो मैंने मन से क्या मान लिया, बराबर में एक मान लिया, इसका मतलब ये है कि ये वाली स्टेप भी एक के बराबर में होगी और ये वाला टर्म भी क्या होगा, इसके बराबर में होगा। तो देखिए क्या आएगा, 2 रूट 3 इंटू में ए, बराबर में वन, और एक टर्म क्या बनेगी 2 माइनस के रूट 3 इंटू में बी बराबर वन। तो ये गुणा की संख्या कहाँ जाती, बटे में जाती, इंटू का नंबर जो होता है वो डिवाइड में, तो क्या निकल कर आएगा यहाँ पर 2 प्लस के रूट 3 बराबर वन अपॉन ए, क्लियर। और यहाँ पर क्या आएगा 2 माइनस के रूट 3 बराबर में वन अपॉन बी। और आपके लिए वैल्यू भी किसकी फाइंड करना है, ये करना है कि नहीं, क्या निकल कर आएगा 1 अपॉन ए का वैल्यू कितना आएगा 2 प्लस के रूट 3, और प्लस 1 अपॉन बी का वैल्यू कितना है 2 माइनस के रूट 3, रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 और 2 कितने होंगे 4, नेक्स्ट क्वेश्चन कर दीजिए, समांतर पैरल लाइन है तो के की वैल्यू फाइंड करना है, बस आपके लिए समांतर का जो स्टेटमेंट है वो याद होना चाहिए, क्या होता है ए वन अपॉन ए टू बराबर बी वन अपॉन बी टू बराबर नहीं है सी वन अपॉन सी टू, और यहाँ पर समांतर के स्थान पर ऐसा जाता असंगत है, इनकॉन्सिस्टेंट है, तब भी यही फॉर्मूला लगता और नो सॉल्यूशन के लिए भी यही लगता, कोई हल ना हो, ये तीनों के लिए एक ही स्टेटमेंट है, ये यही फॉर्मूला लगेगा, है ना। देखिए a1 की वैल्यू यहाँ पर कितना है ये, और b1 की वैल्यू कितना है 2k, ये a2 का मान है, ये b2 का मान है। देखो ये मान तो बराबर नहीं हो सकता ना, तो इसको लेने की ज़रूरत भी नहीं है, चाहो तो आप ले सकते हैं, a1 की वैल्यू कितना है 3 और a2 का मान कितना है 2 बराबर b1 का मान कितना है 2k अपॉन और b2 का मान कितना है 5, क्लियर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 के इंटू इधर कर दीजिए कितना होगा 15, 2 का इंटू के से करें, 2 के से करें कितने हो जाएंगे 4 के, और k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 अपॉन 4, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अरे एक्स का मान क्या होगा जिसमें ये दोनों वैल्यू कैसी हैं, इक्वल हैं, बराबर। अरे देखो ये दोनों वैल्यू बराबर हैं तो बराबर है, इसमें क्या दिक्कत है, बस बराबर रख दीजिए। एक्स वाली टर्म एक साइड कर दो, क्या होगा 8x माइनस के 4x माइनस के 6, 12 भी साइड आएंगे, भी किसको आएंगे माइनस के, घटाएंगे तो कितना बचेगा 4x, और ये कितने हो जाएंगे माइनस के 18। एक्स की वैल्यू क्या आएगी माइनस के 18/4, 2 से कट जाएगा, ये कितना होगा माइनस के 9/2, डिवाइड भी करें तो कितना आएगा माइनस के 4.5। अगला क्वेश्चन देखते हैं ना, टाइप सेकंड। इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गए रेखाएं हैं, पिछले अध्याय में आपने पढ़ा बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ना, एक रेखा वाले ट्राइंगल का भी एरिया निकालना है और दो रेखा वाले ट्राइंगल का भी आपको एरिया निकालना है, वही फॉर्मूला है पुराना वाला 1/2 बेस इंटू हाइट, क्लियर। देखिए देखिए, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, मैंने जो ट्रिक बताई थी आपको उसी पे ज़्यादा आप फोकस करिए। देखो फॉर्मूला भी लगाने की ज़रूरत नहीं है ना आपको, इसमें चतुर्थांश में स्थापित करने की ज़रूरत है, बस इतना ध्यान रखना है इनकी बराबर में क्या बनाना होगा, हमारे लिए एक बनाना है, क्या बनाना है, तो एक बनाने के लिए इसमें अपन क्या करेंगे 24 से सब में डिवाइड कर देंगे। देखिए क्लियर, ये तो 1 हो ही जाएगा, 3 से इसको काटेंगे कितना आएगा 8 आएगा, 8 से इसको काटेंगे कितने आएंगे 4 आएंगे, अब इस सॉरी कितना आएगा 3 आएगा। अब इसी को अपन किस में चतुर्थांश में भी रख सकते थे इस तरीके से कोऑर्डिनेट में, देखिए क्या आएगा, x की वैल्यू 3 है, y का मान तो क्या होगा यहाँ पर 0 होगा, तो देखिए 3 आ जाएगा 3,0, और y के मान कितना है 8 है, मान चलिए 8 यहाँ पर आता है कोई बिंदु, ये 8, लेकिन यहाँ पर x का मान क्या होगा 0, तो 0,8, इस तरीके से एक रेखा जाएगी। इस रेखा का ही समीकरण इक्वेशन कौन है, ये है, इससे ये ट्राइंगल बन गया, इसका एरिया अपने लिए क्या करना है फाइंड कर, लेकिन इतना नहीं जाना डीपली आपके लिए कि आप ट्राइंगल बनाएं x बराबर 0 लें, बस आपको क्या करना है ये बराबर में क्या लाना पड़ेगा एक लाना, एक लाने के लिए जितनी भी संख्या हो उससे आपको क्या करना है डिवाइड कर देना है, क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, और नीचे जो दो संख्याएं आना है ये दोनों का गुणा करके 2 से भाग, इतना ध्यान रखोगे तो फॉर्मूले की भी जरूरत नहीं पड़ने वाली, तो ये दोनों का गुणा करेंगे कितना जाएगा 24 आ गया, और 24 में 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 12। अच्छा जी 2 का डिवाइड ही क्यों करते हैं, क्योंकि फॉर्मूला ही वही होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, ये होता है, तो देखो यहाँ पर कोई भी बेस हो हाइट कोई भी हो उससे हमारे लिए
बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्लियर। बस दिक्कत ये हो कि आपके लिए इस साइड क्या लाना है, वन लाना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी है, अगर दो रेखाएं होती तो दोनों में ऐसे करते और दोनों में ऐसा करते, बस बड़े मान में से छोटे मान को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। आप सोच रहे हो सर यहाँ पर तो ये माइनस की वैल्यू आनी चाहिए थी, माइनस की 8 है ना, माइनस क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि जो एरिया होता है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता, क्लियर। करिए देखिए वो ही फिर अपना, अगर आप भाग भी ना दे पाए, अगर आपके लिए भाग देना अच्छा ना लगे तो क्या करें सर, ऐसा करते हैं 6 से इसमें डिवाइड कर दो, कितनी बार, 6 बार है ना, 9 से कर देंगे तो भी कितना बार, तो 6 और 4 ही आ रहे होंगे आप, है ना, 6 और 4 का क्या करना है अपने लिए, इनटू इनटू करके 2 से डिवाइड, ये दो कितना आएगा, 12, वर्ग इकाई क्या रहेगा, स्क्वायर यूनिट, क्लियर। नहीं फिर आप 36 से भाग देने का मतलब तो वो ही है, देखिए ये 36 से इधर भी, ये भी 36 डिवाइड करेंगे तो ये 6 ही आएगा, और ये कितना आएगा, 4 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, अच्छा तो आप तो बस यहीं पर डिवाइड कर दो, देखो 6 से इसको करेंगे 36 को कितनी बार, 6 बार, 9 से करेंगे 4 बार, बटे में 2 हमेशा ही लिखना है, सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा त्रिभुज का, क्लियर। देखिए इसमें 2 लाइन है लेकिन यहाँ पर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, क्वाड्रिलेटरल का क्षेत्रफल ज्ञात करना, इससे भी हमारे लिए अंतर नहीं पड़ने वाला, क्यों नहीं पड़ेगा समझिए, क्योंकि जब ये चतुर्भुज बनेगा ये 2 लाइनों से बनेगा इस तरीके से, क्लियर ये वाला। और इसके लिए सबसे पहले ये करना आपके लिए कि आगे बड़े त्रिभुज का एरिया निकाल लेंगे, इस वाले का ये, इसमें से छोटे वाले त्रिभुज को घटा देंगे तो ये बीच का बच जाएगा, देखिए आप 4 से 12 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 3 आएगा, क्लियर। और 2 से 12 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 6 आएगा, बटे में क्या लिखेंगे, 2, तो एक ट्राइंगल का एरिया ये निकलेगा। यहाँ से देखो 8 से 48 को डिवाइड करेंगे कितना जाएगा, 6, और 4 से करेंगे कितना जाएगा, 12, कितना आएगा, इंटू करके इसमें भी क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है। देखो ये वाला सॉल्यूशन क्या आएगा, 3 × 6/2, और एक निकाल के निकलेगा क्या, 6 × 12/2, क्लियर। इससे काट देंगे 3 बार, ये कितना आएगा, 9 वर्ग इकाई, इससे काटेंगे 3 बार और ये कितना हो जाएगा, 36। ये दोनों का अंतर ही आपका क्या होगा, देखो ये बड़ा वाला त्रिभुज होगा, ये छोटा होगा, बड़े वाले ऐसे छोटे वाले को घटा देंगे तो आप उत्तर आ जाएगा, कितना बचेगा, 36 − 9 बराबर क्या, 27, क्लियर। बस जरूरत का है कि आपके लिए प्रैक्टिस की, नहीं तो फिर फॉर्मूला लगाते रहिए, बढ़िया चतुर्थांश बनाओ दोनों लाइन फिर घटाओ।
देखिए आप, एक्स क्या है, कुछ है नहीं है, वन, वन से दो को डिवाइड करें कितना निकलेगा, दो ही निकलेगा। बाय के आगे भी वन है तो यहाँ से भी क्या निकलेगा, दो निकलेगा। बटे में क्या लिखेंगे, दो। एक ट्राइंगल का ये है, इसमें क्या आएगा, तीन से इसको डिवाइड करेंगे आठ बार, क्लियर। अरे एक से आठ आया, इससे कितना जाएगा, छः जाएगा, ये छः आ गया। बटे में क्या रहेगा, दो। दो से इसको काटेंगे तीन बार, तीन से आठ को गुणा करेंगे कितना आएगा, चौबीस। और देखो ये कितना आएगा, दो। ये दोनों का अंतर, बड़े में से हमेशा छोटे वाले को घटाएं, कितना जाएगा, बाईस वर्ग। क्लियर है कि नहीं, सिंपल।